दोस्तों चलिए मेरे साथ एशिया के सबसे खूबसूरत समुद्र तट घूमने, ऐसा जगह जहां घूमने जाना हर व्यक्ति का ड्रीम होता है, वह जगह है अंडमान का राधा नगर बीच। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से आग्रह है कि ऐसे पोस्ट देखने के लिए अपने YouTube चैनल ट्रेवल एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल को भी प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो अपलोड होने पर इसकी सूचना आपको मिल सके। सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं और यह काम जीवन में केवल एक बार करना होता है। दोस्तों चलिए दुनिया का सबसे खूबसूरत बीच, यह बीच लुभावने सूर्यास्त और सूर्योदय, सुनहरी मुलायम रेत, विशाल आसमान और असंख्य जल साहसिक खेल इस समुद्र तट को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक देखे जाने वाला समुद्र तटों में से एक बनाते हैं। इस जगह की रोमांचकारी सुंदरता ने इसे कई पुरस्कार जीते हैं और आज तक के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में टाइम पत्रिका द्वारा एशिया में सर्वश्रेष्ठ समुद्र तट का पुरस्कार, राधा नगर बीच दुनिया के 7 बेहतरीन बीचों में से एक के तौर पर जाना जाता है। राधा नगर बीच घूमने का सबसे अच्छा समय दिसंबर से फरवरी के बीच है। इस दौरान जलवायु सबसे सुहावनी होती है और बहुत सारे नए साल के त्यौहार भी होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक पर्यटकों के लिए यह समय चरम समय है। यह समुद्र तट आपको अपने जीवन काल की सबसे अद्भुत यादों को संजोने में मदद करेगा। चलिए राधा नगर बीच का थोड़ा इतिहास जानते हैं। एक लोकप्रिय रोमांटिक पर्यटक स्थल होने से पहले हैवलॉक द्वीप हमेशा कई देसी जनजातियों के घर के रूप में जाना जाता है। राधा नगर बीच को स्थानीय लोग बीच नंबर 7 के नाम से जानते हैं। भारत सरकार हैवलॉक द्वीप पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देती है, जिसका नाम ब्रिटिश अफसर जनरल सर हेनरी हैवलॉक के नाम पर रखा गया था। 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज भारत आए तो जॉन रिची नाम के एक समुद्री अधिकारी को समुद्र के पूर्वी तट पर पता लगाने के लिए दौरे पर भेजा गया। अपने अभियान के दौरान वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास द्वीपों के एक समूह में आया। इस ब्रिटिश समुद्री अधिकारी के सम्मान में अंडमान द्वीप के पूर्व में द्वीपों के एक समूह को रिची का द्वीप समूह नाम रखा गया। राधा नगर बीच इस द्वीप समूह में ही स्थित है। राधा नगर बीच के पास काला पत्थर बीच, एलिफेंट बीच, नील आइजलैंड है। इसके अतिरिक्त एलिफेंट बीच में स्कूबा ड्राइविंग, तैराकी, स्कीनिंग, पैरासेलिंग, स्नॉर्किंग के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ का आनंद लिया जा सकता है। यह समुद्र तट सभी जल गतिविधियों के लिए बेहतरीन जगह है, जहां पर्यटक अपने दोस्तों और परिवार के साथ खूब मस्ती करते हैं। जो भी यहां आता है वो समुद्र की लहरों का मज़ा लेता ही है। हम लोग यहां पहुंचने के बाद समुद्र में खूब मस्ती किए, आइए मेरे साथ और आनंद लीजिए। Oh,
दोस्तों, आज का पोस्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको मेरा पोस्ट अच्छा लगा हो तो कृपया अपने YouTube चैनल ट्रेवल एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलेंगे अगले ट्रेवल ब्लॉग लेकर के। तब तक धन्यवाद।